बहुत दिनों बाद आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म की तरफ से आने वाली ट्रांसफॉर्म अटैक बैडमिंटन रैकेट का। तो वीडियो बहुत ही छोटी एंड इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो माय नेम इज लोकेश एंड यू आर वाचिंग शटर स्ट्रोक। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो डिवाइडेड होने वाली है फोर पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इस रैकेट के कॉन्स की क्यों आपको ये रैकेट नहीं लेनी चाहिए, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि क्यों आपको ये रैकेट लेनी चाहिए, मतलब इस रैकेट के प्रोज, एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, प्रैक्टिकल बेसिस के बारे में, मतलब कंक्लूजन के बारे में। तो वीडियो का जो भी रिव्यू होने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल बेसिस पे करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर, जिसमें हम बात करेंगे इस रैकेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो वेट की बात करते हुए, इस रैकेट का वेट आपको 82 ग्राम्स के आसपास देखने के लिए मिलता है, जो एक मिड हेवी बैडमिंटन कैटेगरी की रैकेट है। इस रैकेट की अगर हम मैक्स स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस रैकेट पर मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 28 LBS तक लगवा सकते हैं। इस रैकेट का हेड शेप आपको आइसोमेट्रिक देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बैलेंस की बात करें तो ये रैकेट आपको हेड हेवी कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये थी इस रैकेट की शॉर्ट स्पेसिफिकेशन। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर कि इस रैकेट के कॉन्स, मतलब आपको ये रैकेट क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये रैकेट योनेक्स को भी टक्कर देने की अपने आप में पावर रखती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन ब्रांड है, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा तबाही करने वाला है। एट द एंड ये आपका चॉइस हो सकता है कि आपको एक ब्रांड के नाम पर रैकेट लेनी है या रैकेट की फील देखकर, रैकेट की पोटेंशियल देखकर आपको रैकेट को परचेस करना है। कंपनी क्लेम करती है कि ये रैकेट एक हेड हेवी बैडमिंटन रैकेट है, पर इस रैकेट को अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब इस रैकेट का जो हेड है, इस रैकेट का जो बैलेंस है, वो मैं अगर कंपेयर करूँ मेरे मैक्स 9 से या जेड जिगलर से, तो इस रैकेट का हेड उतना हेवी नहीं है जितना हेड हेवी मैक्स 9 का है या जेड जिगलर का है। यह एक सेमी इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। कंपनी क्लेम करती है कि हेड हेवी है, पर मुझे लगता है जब मैं इस एक हफ्ते से इस रैकेट से खेला तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी हेड हेवी रैकेट है। ये एक सेमी इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। तो जो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनको पता होता है कि वो कौन से स्टाइल में अपना गेम को प्ले करते हैं, मतलब आइदर वो अगर सिंगल्स के लिए स्पेशल बैडमिंटन लेने जा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो एक हेड हेवी बैडमिंटन रैकेट में इन्वेस्ट करें, या वो डबल्स के लिए बैडमिंटन रैकेट लेने जा रहे हैं तो वो एक हेडलाइट कैटेगरी की बैडमिंटन रैकेट में इन्वेस्ट करें। पर ये रैकेट एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है, तो ये उनकी जो चॉइसेस हो सकती है प्रोफेशनल प्लेयर्स की, उनको कहीं ना कहीं बीट ना कर सके। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल है एंड आपको एक हाई एंड रैकेट चाहिए तो ये रैकेट आप बिल्कुल भी मत यूज करिए। तो अभी बात कर लेते हैं आपको ये रैकेट क्यों लेनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि ये बहुत ज्यादा चीप है, मतलब इस रैकेट की बिल्ड क्वालिटी को देखकर, इस रैकेट की जो ड्यूरेबिलिटी को देखकर, इस रैकेट की मटेरियल को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये रैकेट सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपए की बैडमिंटन रैकेट है। हाँ, आपने सही सुना, ये रैकेट आपको 1700 रुपीज़ के आसपास ही देखने के लिए मिल जाती है। इस रैकेट का भी बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इस रैकेट को परचेस कर सकते हैं। पर जब भी आप रैकेट लेंगे तो आपको इस रैकेट पर स्ट्रिंग्स लगवा के नहीं मिलेंगी, आपको अलग से स्ट्रिंग लगवाना पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस रैकेट पर BG65 ही लगवाएं, वो बेस्ट रहेगा। मैंने भी BG65 ही लगवाया है और BG65 से इस रैकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। इस रैकेट पर आप मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन 28 LBS तक लगवा सकते हैं, जो सेमी एडवांस प्लेयर्स एंड बिगिनर्स प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग टेंशन होता है। अगर रैकेट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें या रैकेट की फिनिशिंग की बात करें तो ये रैकेट योनेक्स की प्रीमियम बैडमिंटन रैकेट्स को भी टक्कर दे सकती है। जो फील आपको योनेक्स के रैकेट पर मिलती है, वही सेम टू सेम फील आपको इस ट्रांसफॉर्म इंडियन ब्रांड के रैकेट में भी देखने के लिए मिल सकती है। मिल सकती नहीं, मिलती ही है। तो अगर मुझे कोई ये रैकेट देता और इसमें ट्रांसफॉर्म का लोगो नहीं होता तो मैं पहचान नहीं सकता कि ये ट्रांसफॉर्म के बैडमिंटन रैकेट थी है या योनेक्स की। रैकेट की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये रैकेट मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लगी, मतलब अगर आप फील लेते हैं जब भी हाथ में पकड़ते हैं तभी आपको समझ जाता है कि दिस रैकेट इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल। एट द एंड मैं इस रैकेट के बारे में, मतलब इस वीडियो में जितनी भी बातें कही और इस रैकेट को मैं पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यही कहूंगा, अगर बिगिनर हो, सेमी एडवांस प्लेयर हो,
और बैडमिंटन स्टार्ट किया है या बैडमिंटन में आपको अभी इंटरेस्ट आया है, तो आप अपने इंडियन ब्रांड की तरफ जा सकते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। और अटैक सीरीज की है बैडमिंटन रैकेट है जो मेरे हाथ में है, बहुत ज़्यादा इस रैकेट में पोटेंशियल है। तो यही मेरा ओपिनियन था कि प्रोफेशनल हो तो इस रैकेट के साथ मत, बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि आपको ये आपके प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से नहीं सूट करेगी, पर बिगिनर सेमी एडवांस के लिए बेस्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।